फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का एक अनदर वीडियो में। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के अंदर अपस्टॉक के न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी को समझेंगे, क्योंकि अपना जो ट्रेडिंग ऐप था उसमें थोड़ा बहुत करेक्शंस किया है, या अगर हम बात करें तो एक न्यू वर्जन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप कैसे आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी इजी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नया बेनिफिट लेकर आया है, जीटीडी का ऑप्शन लेकर आया है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं जीटीडी में तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हम अपस्टॉक के एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे कि अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें किस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है और क्या क्या चीजें हमें वहां पर देखने के लिए मिलती है जो ट्रेडिंग के समय हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहती है। जैसे मैंने एक नया ऑप्शन आपको बताया है जीटीडी का, कि आप जीटीडी के थ्रू आप ऑर्डर डाल सकते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स होता क्या है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास आप कोई भी एक शेयर्स को बाय करना चाहते हैं जिसकी फिलहाल में जो वैल्यू आ रही है 500 रुपीज आ रही है, बट आपने अगर उसे चेकआउट किया है तो लास्ट 12 मंथ के अंदर उसका जो वैल्यू आ चुका था, लोवेस्ट की बात करें तो वो 300 रुपीज के आसपास भी वो आ चुका है, बट आप चाहते हैं कि आप उसको 400 रुपीज के आसपास उसको बाइंग करें। सो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कंटिन्यू से वॉच करते हैं तो आपको पर डे वॉच करना पड़ेगा कि इसका 400 रुपीज का लेवल कब आया है। या फिर आप अगर अपस्टॉक में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर जीटीडी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप जीटीडी ऑर्डर डालते हैं 1 ईयर के अंदर, अगर आपने मान लीजिए 400 रुपीज का ऑर्डर प्लेस कर दिया है और 400 रुपीज अगर 1 ईयर के अंदर जैसे भी टच करता है उस शेयर का, वैसे ही आपका जीटीडी जो आपका ऑर्डर रहेगा वो एक्सक्यूट हो जाएगा फ्रेंड। सो जीटीडी का बेनिफिट बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और अगर आप यूज करना चाहें तो अपस्टॉक के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा है तो कोई इश्यूज नहीं है, आप घर बैठे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर अभी आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपस्टॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन अपस्टॉक, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसे देख देख कर आप मोबाइल फोन के माध्यम से आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे है अकाउंट ओपनिंग की। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्शंस के बारे में जानकारी को समझेंगे कि अगर आपने अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आप इस ऐप के माध्यम से ऑप्शंस में कैसे आप वर्क कर सकते हैं। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको सपोर्टिव के लिए ग्राफ्स एंड ऑप्शन चेंज के रिगार्डिंग क्या क्या हमें वहां पर बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे हमारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से हम कर सकें। सो ये वीडियो कंप्लीट आपको देखना है। यहाँ पर जो दूसरा फीचर दिया गया है जीटीडी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने न्यू वर्जन डाउनलोड किया है अपस्टॉक का। ओल्ड वर्जन में आपको ये जीटीडी का बेनिफिट नहीं मिलता है, और हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो न्यू वर्जन का रिव्यू कर रहे हैं। सो फाइनली अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको न्यू वर्जन वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं आपसे वहां पर पिन का ऑप्शन मांगा जाता है लॉगिन करने के लिए। सो फाइनली जैसे आप पिन एंटर करते हैं या फिर आप थंब के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेस करते हैं आपके सामने लाइव आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी 17,055 का रेट है और बैंक निफ्टी है 35,965 का। सो फाइनली इस टाइप से आपको ऐप के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स है, मिड कैप से निफ्टी 500 है, निफ्टी 20 है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पर जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है वो देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग को लेके। सो फाइनली अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडर्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर है, होल्डिंग्स है, पोजिशन है, तो रेगुलर एंड जीटीटी के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ऑप्शंस के अंदर चलते हैं कि अगर हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड। सो फाइनली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा सर्च फॉर स्क्रिप्ट ऑल, यानी कैश फ्यूचर करेंसी एंड कमोडिटी, एंड यहाँ पर इंडिकेशन आ चुका है। सो फाइनली अगर आप कैश में ट्रेड करना चाहते हो तो कैश पर क्लिक करके आप यहाँ पर कंपनी का नाम डाल सकते हैं। एफएनओ में वर्किंग करना चाहते हैं तो आप एफएनओ में, जैसे आपने यहाँ पर एफएनओ के अंदर डाला बैंक निफ्टी, सो फाइनली आपके सामने देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी, जैसे आप सर्च मारेंगे तो बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, 28 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे आपको सर्च मारना है, आप 29,100 कॉल लेना चाहते हैं या पुट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस के रिगार्डिंग। अगर आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आप एनालिसिस करते हैं, जिस भी यहाँ पर आप बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे क्या इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, तो आपके सामने आप देख सकते हैं ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, समरी है, स्पॉट प्राइस है, क्लोज है,
और लोअर सर्किट अपर सर्किट ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समरी आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है, ऑप्शंस चेंज पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर कॉल एंड पुट के दोनों ऑप्शंस यहाँ पर दे रहा है कि आप ऑप्शंस चेंज के माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हैं कि अभी किस स्ट्राइक प्राइस में क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, चेंज इन इंटरेस्ट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर कॉल एंड पुट के दोनों आपको मिल जाते हैं। कॉल्स में अगर आप देखना चाहें तो कॉल्स में भी आप देख सकते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या अभी क्या लेटेस्ट प्राइस आ रहा है, जिस लेवल पर आप बाय करना चाहते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके माध्यम से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप फाइनली ऐप के थ्रू भी ट्रेड डालना चाहते हैं और अगर आपको इसी कंटिन्यू आप वॉच कर रहे हैं कि हाँ इस लेवल तक जा सकता है, सो फाइनली फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्राइस आ रहे हैं आपके सामने है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस 33,500 का पुट है, LTP 3.25 रुपये आ रहा है, 33,600 पे 3.70 रुपये आ रहा है। कॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉल्स भी आप देख सकते हैं 33,500 का 2401 आ रहा है। तो इसी टाइप से है फ्रेंड्स ये। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज का भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं न्यूज़ है, ग्रीक से चार्ट है, यहाँ पर बाय एंड सेल का ऑप्शंस भी दे रखा है फ्रेंड्स। इसके बाद हम मार्केट डिफ्थ की बात कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्वांटिटी कहाँ पर कितनी दी गई है, कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है, जिससे आप यहाँ पर एक चेक कर सकते हैं कि 50% यहाँ पर आप देख सकते हैं, 50% यहाँ पर टोटल सेल क्वांटिटी, टोटल बाइंग क्वांटिटीज़ है। एंड मोर ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्रेट GTT ऑर्डर आता है, क्रेट ऑर्डर ओपन इन 365 डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप GTT ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो 365 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। सो फाइनली GTT का जो आपको यूज़ करना है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आप कंटिन्यू मार्केट का प्राइस वॉच नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू वॉच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऑर्डर डाल के रख सकते हैं, आपके प्राइस पर ऑटोमेटिक वो बाय हो जाएगा। इसके बिहार पर आपको जब सेल आउट करना है तो आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, सो फाइनली मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है, ये इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और आप उसी के बिहार पर आप इसको प्लान कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी समरी पर मैंने क्लिक किया है, चार्ट्स अभी फ़िलहाल में ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज चार्ट भी ओपन होता है। न्यूज़ अगर कोई चल रही तो न्यूज़ की भी जानकारी आपको मिलेगी, और अगर आप ऑप्शन चेंज देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन ऊपर दे देता, आप उसके बिहाव पर आप स्ट्राइक प्राइस के बिहाव पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस लेवल का अगर लग रहा है कि नहीं मुझे इस लेवल का स्ट्राइक प्राइस पर बाय करना है, तो आप ऑप्शन चेंज के बिहाव पर भी प्लानिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसमें जो फंड एड करने के लिए आप इसको UPI के माध्यम से फंड एड कर सकते हैं, और अभी फिलहाल में अकाउंट ओपनिंग पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसका सक्सेसफुली डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा, एक बेसिक आपको डेमो बताऊंगा, और GTT ऑर्डर कैसे डालना है या GTT ऑर्डर के थ्रू हम कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी जानकारी बता दूंगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है कि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग डालना चाहते हैं तो ऑप्शंस के लिए आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बाय सेल के ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, बाय सेल के माध्यम से आप इसको यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप निफ्टी के अंदर बाइंग सेलिंग करना चाहते तो ऑप्शन आपके सामने है, आप यहां से बाय कर सकते हैं। GTT ऑर्डर डालना चाहें तो GTT ऑर्डर के माध्यम से भी कर सकते हैं आप यहां पर। रेगुलर करना चाहते हो तो रेगुलर आप यहां से डाल सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे फ्रेंड।